हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करा था होल चैप्टर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 12। इसमें उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिफ्रेंसिएशन दिए हुए थे आपके 4 सब टॉपिक्स में, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो पहला डिफरेंस जो आता है वो आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं आपको एक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल में इन माय लास्ट वीडियो, पर अगर मैं एक ब्रीफ की बात करूँ, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली किस पर बेस्ड होता है, स्पेशलाइजेशंस में, जैसे HR स्पेशलाइजेशन, MIS प्रोडक्शन, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और डिविजनल स्ट्रक्चर किस पर बेस्ड होता है, प्रोडक्ट लाइन्स पर बेस्ड होता है। तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर किस पर बेस्ड होता है, फंक्शंस पर, और डिविजनल स्ट्रक्चर किस पर बेस्ड होता है, प्रोडक्ट लाइन्स पर, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लाइन हो गई, मेटल प्रोडक्ट लाइन हो गई, प्लास्टिक प्रोडक्ट लाइन हो गई ऑफ दी सेम ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है, मतलब फंक्शंस बेस्ड, जैसे HR बेस्ड स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग बेस्ड स्पेशलाइजेशन, और डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट बेस्ड या प्रोडक्ट लाइन बेस्ड स्पेशलाइजेशन होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्टी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिपार्टमेंट में, और इफ़ वी टेक द केस ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना फॉर दी परफॉर्मेंसेस। वो एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, उसमें ऑटोनॉमी होती है डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, मैनेजर डेवलपमेंट की बात करें तो मैनेजर डेवलपमेंट डिफिकल्ट हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर होता है वो स्पेशलाइज अपने ही डिपार्टमेंट में होता है, जैसे HR मैनेजर है तो उसको HR के बारे में ही पता है, ना कि मार्केटिंग के बारे में पता है। ठीक है, और प्लस वो HR रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में किसको रिपोर्ट करेगा, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा, तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता है। डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ईजी होता है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑटोनॉमी होती है, प्लस जितने भी मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो कौन परफॉर्म कर सकता है, वो एक मैनेजर परफॉर्म कर सकता है, उसके पास स्किल्स होती है हर एक फंक्शन को, मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करने की, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट हो जाता है। कॉस्ट की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल होता है, लेस कॉस्टली होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पेशलाइजेशन होता है फंक्शंस होते हैं वो रिपीटेटिव नेचर के नहीं होते हैं, और डिविजनल स्ट्रक्चर में डुप्लीकेशन होती है रिसोर्सेज की, जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में भी आपका HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मेटल प्रोडक्ट डिवीजन में भी आपका HR डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेशन है, ठीक है, ऑफ द डिपार्टमेंट एज वेल एज द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू रन दोज डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो डिफिकल्टी होती है फंक्शनल डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर में जब जो कंपनी है वो मल्टी प्रोडक्ट में डील करती है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन वो 2 प्रोडक्ट में डील कर रही है। ठीक है, अब 2 प्रोडक्ट के लिए उसके पास मे बी इतना प्रॉफिट नहीं है, इतनी ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है कि वो 2 डिवीजन क्रिएट करे, तो वो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो भी अपने उसी सिंगल यूनिट में अगर चलाती है तो उस केस में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। और डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ईजी होती है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल दी फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन 1 डिपार्टमेंट, मतलब कॉस्मेटिक का जो डिवीजन है वो सिर्फ कॉस्मेटिक के ऊपर ही उसका ध्यान है। ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे ही उसका ध्यान है, उसका ध्यान मेटल के प्रोडक्ट्स में नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन इस केस में इजी हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, तो फॉर्मल का क्या मीनिंग होता है, जहाँ पर अथॉरिटी रिलेशनशिप कौन क्रिएट करता है, मैनेजमेंट क्रिएट करती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टॉप मैनेजमेंट इसमें लीडर होती है, मैनेजर्स इसमें लीडर होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग है, वो नेटवर्क होता है, ये जो सोशल इंटरेक्शन, मतलब अगर मैं और आप आपस में बात करें तो हम लोगों के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा, क्रिएट होगा, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओरिजिन की बात करें तो इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज, रूल्स एंड पॉलिसीज के बेसिस पर ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ठीक है, और इनफॉर्मल कैसे बनती है, सोशल इंट्रैक्शन से। अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी जो होती है वो पोजीशन पर डिपेंड होती है, जैसे कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें जो चेयरमैन है उसके अलग, उसके पास अलग अथॉरिटी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पास अलग अथॉरिटी है, जो मैनेजर है उनके पास अलग अथॉरिटी है, पोजीशन के बेसिस पर अथॉरिटी होती है। ठीक है, और इनफॉर्मल की बात करें तो ये पर्सनल क्वालिटीज़ के बेसिस पर उसमें अथॉरिटी होती है। बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर इसमें कैसे डायरेक्ट होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं उसी के हिसाब से आपको ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करना पड़ता है। ठीक है, और इनफॉर्मल में कोई एज सच बिहेवियर पैटर्न नहीं होता है, आपका अगर फोर फ्रेंड्स का ग्रुप है फ्रेंड्स का, तो आप कैसे भी बिहेव कर सकते हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल में सेंस स्केलर चेन फॉलो होती है, तो कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, और इनफॉर्मल में कैसे कम्युनिकेशन होता है, कोई भी प्लान मैनर नहीं होता, कोई भी किसी से कभी भी कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी एक सिस्टमेटिक पाथ फॉलो नहीं होता जो कि फॉर्मल में होता है। नेचर की बात करें तो फॉर्मल में सेंस रूल्स एंड पॉलिसीज बनते हैं जो रिजिड होते हैं, इसलिए ये रिजिड होता है, और इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है। लीडरशिप की बात करें तो फॉर्मल में मैनेजर्स लीडर्स होते हैं, और इनफॉर्मल में
मैनेजर्स हो भी सकते हैं, लीडर नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी आपकी कैसी इंट्रैक्शन है, आपका कैसे कैसा कम्युनिकेशन लेवल है अमंग योर टीम मेंबर्स, ठीक है, आपकी कैसे बॉन्डिंग है आपके टीममेट्स के साथ, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि लीडर कौन है। अब हम बात करेंगे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जो कि डेलीगेशन के तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले रहती है अथॉरिटी। अथॉरिटी होती है राइट टू कमांड, जिसमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ठीक है, कि आपको ये काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें जाए तो ये ऑब्लिगेशन होता है, मतलब जब सुपीरियर अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जो टास्क होता है उसकी कुछ एक्टिविटीज़ अपने सबॉर्डिनेट को, इमीडिएट सबॉर्डिनेट को पास ऑन कर देता है, तो उसके पास एक ऑब्लिगेशन आ जाती है, एक लाइबिलिटी आ जाती है कि उसको उस टास्क को अच्छे से परफॉर्म करना है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो जाता है आंसरेबिलिटी, मतलब अगर टास्क टाइमली कंप्लीट नहीं हुआ तो कौन आंसरेबल होगा, सुपीरियर आंसरेबल होगा उस केस में, ठीक है, उसको आंसर देना पड़ेगा कि क्यों टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। डेलीगेशन की बात करें तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी डेलीगेट होती है, ठीक है, जो सुपीरियर है वो कुछ हद तक अपनी अथॉरिटी दे सकता है, सारी अथॉरिटी नहीं, कुछ अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो अपने सुपीरियर को पूरी तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता, बस बल्कि उस टास्क से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को दे सकता है। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं होती है, मतलब अगर टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया तो जिसको वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर रहा है वो आंसरेबल नहीं है, बल्कि सुपीरियर ही आंसरेबल होगा टॉप मैनेजमेंट को। ओरिजिन की बात करें तो ये फॉर्मल पोजीशन से आती है अथॉरिटी, ठीक है, जो अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है, जब उसके पास अथॉरिटी आती है, और अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फ्लो की बात करें, अथॉरिटी जो है डाउनवर्ड होती है फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, क्यों, क्योंकि सुपीरियर के पास अथॉरिटी होती है जो वो ट्रांसफर करती है किसको, सबॉर्डिनेट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये अपवर्ड फ्लो करती है सबॉर्डिनेट से सुपीरियर, क्यों, क्योंकि सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करता है सुपीरियर को, और अकाउंटेबिलिटी भी सबॉर्डिनेट इसमें फॉलोअप करता है किसके साथ, सुपीरियर के साथ, तो ये भी अपवर्ड फ्लो होती है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट डिफरेंस की, जो है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैं इसका ब्रीफ तो आपको बता चुकी हूँ, अब इसमें हम एक्चुअल में बेसिस के बेसिस पर बेस्ड हम डिफरेंसिएशन देखेंगे। पहला आ जाते हैं नेचर। तो डेलीगेशन एक कंपल्सरी टास्क है, क्यों, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो सिर्फ मैनेजर रन नहीं कर सकता, उसको कुछ एम्प्लॉयज़ चाहिए, कुछ पर्सनल चाहिए, ताकि वो जो एक्टिविटीज़ और जो टास्क ऑर्गेनाइजेशन कर रही है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उन टास्क को वो लोग कर सकें, ठीक है। उसके लिए ये उन सबॉर्डिनेट को क्या चाहिए, कुछ डेलीगेशन चाहिए, मतलब किस चीज़ की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इसलिए डेलीगेशन जो है कंपलसरी आता है। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, अगर टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ में है तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करें, डेलीगेशन में मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर्स एंड लेस फ्रीडम टू टेक द ओन डिसीजंस, ठीक है, मतलब सुपीरियर के पास सेंस अथॉरिटी रहती है, वो कुछ ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट को पास ऑन करते, तो इसलिए जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो ज़्यादा किसके पास रहती है, सुपीरियर के पास रहती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सिंस जो भी अथॉरिटी है, पावर है, वो हर एक लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर लेस कंट्रोल रहता है और उनके पास फ्रीडम होता है डिसीजन लेने का या एक्शन लेने का, ठीक है। स्टेटस की बात करें, इट इज़ अ प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क, मतलब टास्क को कंप्लीट करने के लिए डेलीगेशन किया जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ये किस पर बेस्ड होता है, पॉलिसी के डिसीजन पर जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है। स्कोप की बात करें तो डेलीगेशन का नैरो स्कोप है, एज इट इज़ लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट, इसमें किसका रोल आता है, सुपीरियर का और उसके इमीडिएट सबॉर्डिनेट का, मतलब HR मैनेजर का और HR एग्जीक्यूटिव्स का, दूसरे डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में किसका रोल आता है, इसका स्कोप वाइडर है, क्यों, क्योंकि ये लोएस्ट लेवल पर भी जाता है। पर्पस की बात करें, डेलीगेशन किस लिए होता है, मैनेजर का बर्डन कम करने के लिए, मतलब HR मैनेजर को जो टास्क मिला है, तो HR मैनेजर अगर अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक पास ऑन करता है अपने HR एग्जीक्यूटिव्स को, तो HR मैनेजर का बर्डन कम हो रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सबॉर्डिनेट्स का रोल और इंक्रीज करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो आगे आए, इनिशिएट करें, ठीक है, इसलिए उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, फोर टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस जो आपके ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हैं। आई होप आपको समझ में आया, और समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।